दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग ने यहाँ पे को एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग का मानना है कि एक प्लेयर ने यहाँ पे को उनकी बात नेट सेशन में नहीं मानी। आइए देखते हैं पूरी स्टोरी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स में पिछले दो सीजन से 21 साल के पृथ्वी शॉ के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने याद किया कि पिछले सीजन में दो हाफ सेंचुरीज मारने के बाद पृथ्वी शॉ जब खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तो उन्होंने नेट्स पर बल्लेबाजी करने से इनकार कर दिया। चेन्नई में दोस्तों 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आगामी सीजन से पहले रिकी पोंटिंग ने cricket.com.au से कहा, पिछले साल अपने बल्लेबाजी को लेकर उनका रोचक सिद्धांत था, जब वो रन बना रहे होते हैं तो वो बल्लेबाजी नहीं करेंगे और जब वो रन बना रहे होते हैं तो हमेशा नेट्स में बल्लेबाजी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पृथ्वी शॉ ने 4 या 5 मैचों में 10 से कम रन बनाए और मैं उनसे कह रहा था कि हमें नेट्स पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने तब मेरी आंखों में देखा और कहा, नहीं, मैं आज बल्लेबाजी नहीं करूंगा, मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पोंटिंग 29 मार्च को दिल्ली की टीम से जुड़े थे और IPL के बायो बबल में उन्होंने एक हफ्ते का लंबा आइसोलेशन पूरा किया। पोंटिंग ने कहा, वह शायद बदल गए हैं, मुझे पता है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने काफ़ी काम किया है, उनका सिद्धांत शायद बदल गया हो और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर हम पृथ्वी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा पाएं तो वह सुपरस्टार खिलाड़ी बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व कप्तान ने कहा कि पिछले साल वह पृथ्वी को सलाह देने से पीछे नहीं आते, लेकिन यह युवा बल्लेबाज अपने शब्दों पर टिका रहा। पोंटिंग को भरोसा है कि पृथ्वी शॉ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उन्होंने कहा, शायद पृथ्वी ने बेहतरी के लिए अपनी ट्रेनिंग आदतें बदल ली होंगी, क्योंकि उनकी सफलता सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि स्टार्टिंग ईयर्स के लिए उन्हें भारत के लिए काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। पोंटिंग ने कहा कि पृथ्वी और महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बीच कई समानताएं हैं। तो दोस्तों, ये थे रिकी पोंटिंग के पूरे बयान पृथ्वी शॉ से रिलेटेड, पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और क्या इस बार दिल्ली कैपिटल्स इस सीज़न अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।